दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल रेसलिंग 007 पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ब्लड लाइन के एक खास मेंबर जिमी उसो के रिटर्न के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि टामा टोंगा ने अपना डेब्यू करके जिमी उसो पर हमला किया था, वो भी सोलो सिकवा के सामने। ये जो षडयंत्र रचा था सोलो सिकवा ने, जिसने जिमी उसो को बेला फुसला कर उसका ध्यान हटा दिया और पीछे से नकाबपोश टामा टोंगा ने आकर उन पर हमला कर दिया और उनका काफ़ी बुरा हाल किया। और उसके बाद जिमी उसो WWE में दिखाई नहीं दे रहे थे। लेकिन अभी न्यूज़ ये चल रहा है कि हमें आने वाले स्मैकडाउन में जिमी उसो का रिटर्न देखने को मिल सकता है, क्योंकि डॉक्टर्स के रिपोर्ट के मुताबिक जिमी उसो अब क्लियर है फाइट करने के लिए और WWE में आने के लिए। तो हो सकता है कि आने वाले स्मैकडाउन में हमें जिमी उसो का रिटर्न देखने को मिले, और हो सकता है कि हमें जिमी उसो का रिटर्न एम्बुलेंस के ज़रिए देखने को मिले, जहां ब्लड लाइन का एक सेगमेंट या फिर ब्रॉल चल रहा हो कोडी रोड्स के साथ, और उस बीच हमें जिमी उसो का रिटर्न देखने को मिल सकता है। और ये भी हो सकता है कि जिमी उसो के साथ पॉल हीमेन भी हो, क्योंकि पॉल हीमेन पर भी पहले जिमी उसो पर और उसके बाद पॉल हीमेन पर ब्लड लाइन ने हमला किया था। और ये भी हो सकता है कि हमें आने वाले स्मैकडाउन में एक बार फिर ब्लड लाइन और टीम कोडी रोड्स के बीच एक ब्रॉल देखने को मिले और सोलो सिकवा टीम कोडी रोड्स पर बाड़ी पड़े और सोलो सिकवा टीम कोडी रोड्स पर बारी पड़े, ताकि उसे बचाने के लिए जिमी उसो अपना फिर से रिटर्न करे एम्बुलेंस के साथ या फिर पॉल हीमेन के साथ और आकर सोलो सिकवा पर हमला कर सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि हमें आने वाले स्मैकडाउन में ट्राइबल चीफ रोमन रेंस का रिटर्न भी देखने को मिल सकता है, जो कि अपने गद्दी ट्राइबल चीफ के लिए वापस आ सकते हैं, क्योंकि टीम ब्लड लाइन ने रोमन के वाइस मैनेजर यानी पॉल हीमेन पर भी हमला किया था। तो हो सकता है कि रोमन आकर पॉल हीमेन का बदला ले और साथ में अपना गद्दी भी ले ट्राइबल चीफ की, जो कि अब सोलो सिकवा खुद को समझ रहे हैं, और टीम ब्लड लाइन ने भी सोलो सिकवा को एज अ ट्राइबल चीफ एक्नॉलेज भी किया सिवाय पॉल हीमेन के, जिस पर हमला करके सोलो सिकवा ने उन्हें काफ़ी बुरी तरह इंजर्ट किया था। तो हो सकता है कि हमें आने वाले स्मैकडाउन में जिमी उसो और ट्राइबल चीफ का रिटर्न देखने को मिले पॉल हीमेन के साथ, और वो सोलो सिकवा टामा टोंगा और जेकब फाटू पर हमला करे और सोलो सिकवा को मार मार कर रिंग से भगा दे। और मैंने अपने पुराने वीडियोस में भी ये बोला था कि हमें फ्यूचर में सोलो सिकवा और रोमन रेंस के बीच एक मैच देखने को मिल सकता है, क्योंकि सोलो सिकवा पहले से ही रोमन को पसंद नहीं करते हैं और वो रोमन के सामने नहीं झुकते, और हमने कई बार सोलो सिकवा को वी द वन पोज करने को नहीं देखा, और सोलो सिकवा ही पहले रेसलर थे एज अ ब्लड लाइन जिन्होंने जिमी उसो और जे उसो पर हमला किया था और वो ट्राइबल चीफ के भी नहीं मान रहे थे। और हमने समरसेले में भी देखा था जब जे उसो और रोमन का मैच हो रहा था तो सोलो सिकवा ट्राइबल चीफ पर हमला करने ही वाले थे। बस देखना ये है कि क्या हमें आने वाले स्मैकडाउन में जिमी उसो, ट्राइबल चीफ या फिर पॉल हीमेन, इन तीनों में से किसी एक का रिटर्न तो ज़रूर देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि हमें जिमी उसो का ही रिटर्न देखने को मिले। आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना।